हेलो बच्चों, वेलकम टू M12। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8th साइंस सब्जेक्ट, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। द चैप्टर इज ऑल अबाउट हाउ टू प्रोड्यूस द क्रॉप एंड हाउ टू मैनेज देम फॉर सेलिंग और फॉर फर्दर यूजेस। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में उन्होंने कुछ बेसिक्स हमें बताए हैं, उन बेसिक्स को हम पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। वी ऑल नो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी कि जो पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से वो लोग जो पौधे हैं वो खाना अपना खुद बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ह्यूमंस अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, मतलब उसे खुद, अब वो क्रॉप्स खाते हैं या ग्रेन्स खाते हैं या फिर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी वो खाते हैं वो डायरेक्टली उनको अवेलेबल नहीं हो सकते, उनको उगाना पड़ता है, उनको पैदा करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है उनका। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पूछना चाहता है कि हमें खाना खाने की ज़रूरत ही क्यों है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। जो खाना है हमारे अंदर वो हमारे बॉडी के वेरियस बॉडी फंक्शंस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। वो वेरियस बॉडी फंक्शंस कौन से हैं, दैट इज़ डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। जो भी आप उत्सर्जन है आपका, डाइजेशन खाना पचाना है या रेस्पिरेशन है आप सांस लेते हैं, उस वक्त में हेल्प करता है। वी गेट अ फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। तो हमें जो अपना खाना है वो प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, यानी कि दोनों से हमें मिलता है वो। यहाँ पर देखिए ये कहना चाहता है सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आर कंट्री। अब क्योंकि हम सबको खाने की ज़रूरत है, तो वो कह रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं, तो अब सबको वो खाना कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए क्या किया जाता है बच्चों, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर अवर लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। तो क्या किया जाता है, क्रॉप्स को बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है और देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल पर किया कर दिया जाता है। अब यहाँ पर उसका फर्स्ट टॉपिक है आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब है, जो क्रॉप्स को उगाया जाता है या क्रॉप्स के लिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं, कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, क्या तरीका है, क्या प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं, क्या प्रोसेस यूज़ किया जाता है क्रॉप्स को उगाने के लिए। बट फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज़ क्रॉप। हमें पहले ये पता करने की ज़रूरत है क्रॉप एक्चुअली होता क्या है। तो क्रॉप होता है व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। यानी कि कोई भी एक फसल ऐसी है जिसे एक बहुत बड़े पैमाने पर एक जैसी फसल को अगर उगाया जाता है, एक जैसी खाने की चीज़ को उगाया जाता है अगर बहुत बड़े स्केल पर, तो उसे आप क्रॉप कहते हैं, यानी कि फसल कहते हैं। यानी कि जैसे एग्जांपल में उसने दिया है, देखो, क्रॉप ऑफ वीट मींस दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ पर सिर्फ गेहूँ के ही पौधे लगे हुए हैं, एक जैसे पौधे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो वीट क्रॉप्स कहे जाएंगे, यानी कि गेहूँ की फसल कही जाएगी। अब हम ये भी जानते हैं दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दीस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। अब इसका कहने का मतलब है कि क्रॉप्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, सीरियल्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं। दिस कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन, मतलब कि हम जो क्रॉप्स हैं उनको क्लासीफाइड कर सकते हैं कि जिस सीजन में वो उगाए जाते हैं उसके बेसिस पर हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। अब जब अगर हम इंडिया की बात करें, तो कह रहा है इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। वी ऑल नो कि इंडिया अपने रीजन में टेम्परेचर वाइज, ह्यूमिडिटी वाइज जो है वो डिफरेंट होता है, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहीं ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कहीं पर बहुत कम होता है, बिल्कुल गिर जाता है, या कहीं पर नॉर्मल रहता है। तो आपको पता है कि टेम्परेचर इंडिया के हर एक रीजन में डिफरेंट रहता है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पर जो क्रॉप्स उगाई जाएंगी वो भी वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही उगाई जाएंगी। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जब जो डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं वो अगर डिफरेंट हो जाती हैं, तो उनको क्या कहता है कि कैटेगराइज कर दिया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज में। ब्रॉडली हमने क्रॉप्स को दो बड़ी बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। अब वो
कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। पहली आपकी कैटेगरी होती है दैट इज खरीफ क्रॉप्स, एक कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स। बच्चों खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जिन्हें रेनी सीजन में उगाया जाता है, आपको ये याद रखना है। खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जिन्हें रेनी सीजन में उगाया जाता है। इनका जो उगाने का प्रोडक्शन का जो टाइम होता है वो होता है आपका जून टू सेप्टेम्बर, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन जून टू सेप्टेम्बर। इसके एग्जाम्पल्स उन्होंने साथ में दिए हुए हैं दैट इज पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन। ये आपके खरीफ क्रॉप्स हैं, इनको बरसात के सीजन में ही उगाया जाता है। सेकेंडली आपकी जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो है आपकी रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? दीज क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। ये क्रॉप्स जो हैं आपकी सर्दियों में उगाई जाती हैं, सर्दियाँ हैं विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। और इसका जो प्रोडक्शन का टाइम होता है वो प्रोडक्शन का टाइम है आपका अक्टूबर टू मार्च, यानी कि दे विल बी प्रोड्यूस्ड बिटवीन अक्टूबर टू मार्च मंथ। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स क्या दे रखी है उन्होंने? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड्स। तो ये आपके रबी क्रॉप्स जो हैं वो उसके एग्जाम्पल्स हैं। बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके अलावा भी वो कह रहा है कि जो दालें और सब्जियां हैं कई ऐसी जगह हैं जो गर्मियों में ये दोनों चीज़ें प्रोडक्शन की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं। तो बच्चों ये आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो क्रॉप्स हैं उनको कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है, वो कौन सी कैटेगरीज हैं, उनका डिफरेंस क्या है उनमें, और उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप याद रखिएगा। सेकेंड आपका टॉपिक आता है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। वो कह रहा है कि बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होती है, मतलब कि प्रोसेस क्या है एक्चुअली क्रॉप प्रोडक्शन का, क्रॉप प्रोडक्शन करते वक्त क्या क्या प्रोसेस जो है वो अपनाई जाती है बाय अ फार्मर। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाई फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कल्टीवेशन जब किया जाता है क्रॉप्स का तो फार्मर्स द्वारा बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो अंडरटेकन किए जाते हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाई यू वेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। वो कह रहा है कि आप भी अगर अपने घर में कोई कोई चीज़ उगाते हो, छोटी मोटी चीज़ें उगाते हो या कुछ भी काम करते हो, बेसिकली अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर आप एक सैंडविच बनाते हो तो आपको सैंडविच बनाने के लिए, आपको डायरेक्ट सैंडविच तो नहीं मिलेगा, सैंडविच बनाने के लिए आपको पहले ब्रेड लानी पड़ेगी, ठीक है। आप उस ब्रेड को काटोगे, उसके बाद आप सब्जियां काटोगे, उसके बाद आप सॉसेस का यूज़ करोगे, है ना। तो एक प्रोसेस होता है कि सैंडविच आपको कैसे बनाना है, ठीक है ना। आप सब्जियों के ऊपर तो ब्रेड को नहीं रखोगे, ब्रेड के ऊपर रखोगे ना सब्जियां। तो एक प्रोसेस होता है, एक स्टेजेस होती हैं जिन स्टेजेस में आप सैंडविच बना रहे हो। इसी तरह फार्मर के पास एक प्रोसेस होती है, एक स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसमें वो क्रॉप को प्रोड्यूस करता है, उसका एक डेफिनेट प्रोसेस होता है। तो ये जो डेफिनेट प्रोसेस हैं इनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहा जाता है। अब ये कौन कौन सी प्रोसेस होती है? सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले बच्चों प्रोडक्शन ऑफ सॉइल होता है, जिसमें कि मिट्टी तैयार की जाती है, जिस मिट्टी में फसल को, क्रॉप को उगाया जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन किया जाएगा, उस सॉइल को प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। डायरेक्ट आप सॉइल में बीज डालोगे और पौधा उगाएगा ऐसा नहीं होता है, तो आपको रेडी करना पड़ता है। देन आप क्या करेंगे? देन यू डू सोइंग, यानी कि उसके बाद आप बीज बोएंगे। देन यू डू एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उस मिट्टी को और ज़्यादा फर्टिलाइज करने के लिए आप उसमें फर्टिलाइजर्स डालेंगे, मेन्योर डालेंगे, खाद डालेंगे, ताकि वो पौधा जो है वो और अच्छे से और हेल्दी तरीके से उग सके। देन यू डू इरिगेशन, आप सिंचाई करेंगे। देन यू डू प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स, आप उसको कीड़े मकोड़ों से और जितने भी लोकस्ट होते हैं उनसे बचाएंगे ताकि आपकी फसल बर्बाद ना हो। देन यू हार्वेस्ट देम, उसके बाद आप उन्हें काटेंगे। एंड देन स्टोरेज, आप उसको रखेंगे, संभालेंगे और उसका मैनेजमेंट करेंगे। ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि जब क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है तो उसमें फार्मर जो है वो कौन सी प्रोसेस को अपनाता है, ठीक है। तो इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, पहला था आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जिस मिट्टी में क्रॉप प्रोडक्शन किया जाना है उस मिट्टी को तैयार करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका जिसमें क्रॉप को प्रोडक्शन करने से पहले ध्यान रखना पड़ता है। इम्पॉर्टेंट स्टेप आपका क्या होता है? देखिए यहाँ हम देख सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहले जो है वो मिट्टी को पलटना पड़ता है और उसे ढीला करना पड़ता है, यानी कि वो थोड़ी भुरभुरी हो जाए जिससे कि बीज आसानी से उसके अंदर जा सके। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉइल। इसकी वजह से क्या होता है? जो सीड होता है, जो उसकी जड़ें होती हैं, वो अच्छे से आसानी से मिट्टी के अंदर
बैठ सकती हैं। द लूज सॉयल अलाउज द रूट्स टू ब्रीद ईजिली इवन वेन दे गो डीप इन टू द सॉयल। इससे क्या होगा कि अगर जड़ें ज़्यादा गहरी भी हो जाती हैं मिट्टी में, तो भी उनको भुरभुरे होने की वजह से या फिर जो लूज होती है मिट्टी, उसकी वजह से क्या होती है कि पौधे को सांस लेने में